हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज 11 में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं, बहुत बार एग्जाम में देखा होगा कि कुछ महापुरुषों के उपनाम पूछता है, ये उपनाम किनका है या इस नाम से किनको बुलाया जाता है। तो आज का हमारा सेशन इसी पर आधारित है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले, हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा है दोस्तों, राष्ट्रपिता या बापू किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपिता के नाम से या बापू के नाम से महात्मा गांधी को पुकारा जाता है। राष्ट्रपिता किनको कहा जाता है दोस्तों? महात्मा गांधी को। बापू किनको कहा जाता है दोस्तों? महात्मा गांधी को। अगला, सीमांत गांधी। अगला उपनाम है दोस्तों, सीमांत गांधी। दोस्तों, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफार खान को कहा जाता है। किनको कहा जाता है दोस्तों? खान अब्दुल गफार खान। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफार खान। अगला हमारा है दोस्तों, वह वृद्ध पुरुष यानी बुढ़ा पुरुष, ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। बुढ़ा पुरुष किसको कहा जाता है दोस्तों? दादा भाई नौरोजी को। या वृद्ध पुरुष किसको कहा जाता है दोस्तों? दादा भाई नौरोजी को। अगला, लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क या सरदार। तो दोस्तों, लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क, ये कहा जाता है सरदार पटेल को। किनको कहा जाता है दोस्तों? सरदार पटेल को। भारत का बिस्मार्क सरदार पटेल को। शांति पुरुष। तो दोस्तों, शांति पुरुष के नाम से लाल बहादुर शास्त्री को बुलाया जाता है। शांति पुरुष किसको कहा जाता है दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री। शांति पुरुष किसको कहा जाता है दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री। पंजाब केसरी। तो दोस्तों, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। पंजाब केसरी किनको कहा जाता है दोस्तों? लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी किनको कहा जाता है दोस्तों? लाला लाजपत राय। बंगाल केसरी। दोस्तों, बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। बंगाल केसरी किनको कहा जाता है दोस्तों? आशुतोष मुखर्जी। बंगाल केसरी किनको कहा जाता है दोस्तों? आशुतोष मुखर्जी। अगला है आंध्र केसरी। अगला हमारा दोस्तों, आंध्र केसरी। दोस्तों, आंध्र केसरी टी प्रकाशम को कहा जाता है। आंध्र केसरी टी प्रकाशम को कहा जाता है। आंध्र केसरी किनको कहा जाता है दोस्तों? टी प्रकाशम को। आंध्र केसरी किसको कहा जाता है दोस्तों? टी प्रकाशम को। किसको? टी प्रकाशम। शेरे कश्मीर। अगला हमारा है दोस्तों, शेरे कश्मीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, शेरे कश्मीर के नाम से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जाना जाता है। शेरे कश्मीर के नाम से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। शेरे कश्मीर के नाम से किसे जाना जाता है? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। इनको शेरे कश्मीर कहा जाता है। शेरे कश्मीर किसको कहा जाता है दोस्तों? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। अगला, बंगबंधु। अगला हमारा है दोस्तों, बंगबंधु ये कहा जाता है शेख मुजीबुर्रहमान। शेख मुजीबुर्रहमान किसको कहा जाता है दोस्तों? शेख मुजीबुर्रहमान। बंगाल बंधु शेख मुजीबुर्रहमान। किसको? शेख मुजीबुर्रहमान। अगला, देश बंधु। अगला हमारा है दोस्तों, देश बंधु ये कहा जाता है चितरंजन दास को। देश बंधु किसको कहा जाता है दोस्तों? चितरंजन दास। देश बंधु किसको कहा जाता है दोस्तों? चितरंजन दास। अगला, दीन बंधु। अगला हमारा है दोस्तों, दीन बंधु। तो दोस्तों, दीन बंधु कहा जाता है सी एफ एंड्रसूज। दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? सी एफ एंड्रसूज। दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? सी एफ एंड्रसूज। किसको? सी एफ एंड्रसूज। किसको कहा जाता है दोस्तों? सी एफ एंड्रसूज। अगला, लोकमान्य। अगला हमारा दोस्तों, लोकमान्य तो ये कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। लोकमान्य ये कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। किसको कहा जाता है दोस्तों? जयप्रकाश नारायण को। लोकमान्य जयप्रकाश नारायण। लोकमान्य जयप्रकाश नारायण। यह है जननायक।
अगला हमारा है दोस्तों जननायक। ये कहा जाता है कर्पूरी ठाकुर को। जननायक किसको कहा जाता है दोस्तों? कर्पूरी ठाकुर को। जननायक किसको कहा जाता है दोस्तों? कर्पूरी ठाकुर। अगला राजरसी। अगला हमारा है दोस्तों राजरसी। ये बोला जाता है पुरुषोत्तम दास टंडन। राजरसी किसको बोला जाता है दोस्तों? पुरुषोत्तम दास टंडन। राजरसी पुरुषोत्तम दास टंडन। राजरसी किसको बोला जाता है दोस्तों? पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला गुरुजी एमएस गुलवांकर। गुरुजी एमएस गुलवांकर। अगला राजा जी। तो दोस्तों राजा जी बोला जाता है चक्रवर्ती राजगोपालचारी को, यानी राजा जी श्री राजगोपालचारी को बोला जाता है। किनको बोला जाता है दोस्तों? चक्रवर्ती राजगोपालचारी या कहे तो श्री राजगोपालचारी। इनको उपनाम क्या है? इनका उपनाम क्या है दोस्तों? राजा जी। इनका उपनाम क्या है दोस्तों? राजा जी। अगला एस्पैरो। अगला हमारा दोस्तों एस्पैरो। ये बोला जाता है मेजर जनरल राजेंद्र सिंह। एस्पैरो किनको बोला जाता है दोस्तों? मेजर जनरल राजेंद्र सिंह। किनको बोला जाता है दोस्तों? मेजर जनरल राजेंद्र सिंह। अगला महामाना। अगला हमारा दोस्तों महामाना। ये बोला जाता है पंडित मदन मोहन मालवीय। महामाना पंडित मदन मोहन मालवीय को बोला जाता है। महामाना किनको बोला जाता है दोस्तों? पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला अंकल हो। अगला अंकल हो। ये बोला जाता है हो ची मिन। किनको बोला जाता है दोस्तों? हो ची मिन। अंकल हो ये बोला जाता है हो ची मिन। किसको? हो ची मिन। हो ची मिन। अगला सुपर कैट। दोस्तों सुपर कैट बोला जाता है क्लाइव लाइड। सुपर कैट क्लाइव लाइड। किसको? क्लाइव लाइड। अगला भारतीय फिल्म के पितामह। भारतीय फिल्म के पितामह ये बोला जाता है डूंडी राज गोविंद फालके। किसको बोला जाता है दोस्तों? डूंडी राज गोविंद फालके यानी दादा साहब फालके। किसको? किसको दोस्तों? डूंडी राज गोविंद फालके। विरोधाभासों का मिश्रण। विरोधाभासों का मिश्रण किसको बोला जाता है दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक। विरोधाभासों का मिश्रण ये बोला जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। किसको दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक। विद्रोह कवि। अगला हमारा है दोस्तों विद्रोह कवि। ये बोला जाता है काजी नजरुम इस्लाम। विद्रोह कवि किसको बोला जाता है दोस्तों? काजी नजरुल इस्लाम। किसको? काजू नजरुल इस्लाम। अगला भारतीय पूर्ण जागरण के प्रभात नक्षत्र। भारतीय पूर्ण जागरण के प्रभात नक्षत्र ये हैं राजा मोहन राय। राजा राम मोहन राय। कौन है दोस्तों? राजा राम मोहन राय। कायदे आजम। तो दोस्तों कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना को पुकारा जाता है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। देश रत्न या अजात शत्रु ये बोला जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देश रत्न या अजात शत्रु ये बोला जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारत का नेपोलियन। दोस्तों भारत का नेपोलियन ये बोला जाता है समुद्रगुप्त को। किनको बोला जाता है दोस्तों? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। भारत का शेक्सपियर। अगला हमारा दोस्तों भारत का शेक्सपियर ये बोला जाता है कालिदास को। किनको बोला जाता है दोस्तों? कालिदास। ब्लैक गांधी। अगला हमारा दोस्तों ब्लैक गांधी ये बोला जाता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। किसको बोला जाता है दोस्तों? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अगला स्वर कोकिला। तो दोस्तों स्वर कोकिला ये बोला जाता है लता मंगेशकर को। किसको बोला जाता है दोस्तों? लता मंगेशकर को। अगला लाल बाल पाल। ये उपाधि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ये तीनों को मिला है। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।